हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीथॉन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं करंट अफेयर्स पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 वाज वॉन बाय, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 है वो किसके द्वारा जीती गई है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हरा करके जीती थी, और ये जो मैच है वो न्यूजीलैंड की साउथहैम्पटन सिटी में हुआ था। 18 जून से लेकर के 23 जून को ये मैच कंप्लीट हुआ था। तो ये मैच 18 से 23 जून के बीच न्यूजीलैंड की सिटी साउथहैम्पटन में कंप्लीट हुआ था, जो कि उसमें विनर था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हराया था, और वो The first ever World Test Championship 2021 was won by New Zealand. Okay, so बढ़ते हैं next question की ओर। बहुत ही important question अब आपके सामने, बहुत ही ध्यान से इस question को सुनना और try करना कि इसका answers आप ही दें। Okay, so which of the following Olympic medalist has been appointed the first vice chancellor of newly established डेली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे उसमें कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, इसके अलावा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एंड अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ टॉप द एडेल ग्यू ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट? तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जमशेद सी टाटा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक यानी कि HST द लॉन्गेस्ट सच ट्रैक इन एशिया। एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज इन। एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है और ये पूरे वर्ल्ड का ये 5वां लंबा ट्रैक है। तो ये जो HST यानी कि दी हाई स्पीड ट्रैक वो कहाँ सिचुएटेड है? तो आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये हमारे इंडिया में ही है। तो इंडिया में, इंडिया के तो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, इंदौर इंडिया या चेन्नई। तो कहाँ पे हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रैक सिचुएटेड है। अब हम आपको बता दें कि जो ट्रैक है उसका जो इनॉग्रेशन किया था वो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये जो हाई स्पीड ट्रैक है इंदौर में, जो कि एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां लंबा ट्रैक है, और ये जो नैट्रैक्स है वो डेवलप किया गया है 1000 एकड़ लैंड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको ध्यान रखना क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। द थीम सिलेक्टेड फॉर द स्टैटिस्टिक्स डे 2021 वाज, स्टैटिस्टिक्स डे 2021 में जो थीम सेलेक्ट किया गया था 2021 का, वो थीम क्या था? तो मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाती हूँ, आप गेस कीजिएगा क्या है इसका आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेकेंड ऑप्शन है बिग डाटा एनालिसिस अ की फॉर इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशन। मेक दिस स्टैटिस्टिक्स अ सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, हु केयर्स फॉर ट्रिलियंस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकेम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस ऑन June 30, 2021? सो लेट्स व्हाट्स द ऑप्शन। ऑप्शंस आर GM अभिमन्यु मिश्रा, GM का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रैंड मास्टर। ओके, ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, ग्रैंड मास्टर सर्जरी कार्जाकिन, ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूके मैनडोन का, आर प्रगनंदा, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है GM अभिमन्यु मिश्रा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैविंग अ कोल्ड क्लाइमेट नॉर्मली विटनेस्ड अ हीट वेव विद अ टेम्परेचर राइज टू 49-50 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2021? करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन नंबर सी कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन कल्पतरु एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। तो फर्स्ट कोड है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन अमंग वेमेन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। सेकेंड कोड है, गवर्नमेंट एम्स टू प्लांट अबाउट 200 मिलियन ट्रीज एज फूड फॉरेस्ट टू मीट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। थर्ड कोड है, द मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान टू ऑर्गेनाइज वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू एजुकेट देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो मिशन कल्पतरु है उसके उसके लिए कौन सा इन तीनों में से दिया गया कोड करेक्ट है। तो मिशन कल्पतरु इसमें कोड दिए ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस क्या हैं, यानी कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इरेडिकेट मैल न्यूट्रिशन अमंग वेमेन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, ये सही है। एंड उसके अलावा ऑप्शन कोड नंबर सेकेंड जो है, गवर्नमेंट एम्स टू प्लांट अबाउट 200 मिलियन ट्रीज टू एज फूड फॉरेस्ट टू मीट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस पासपोर्ट इज इशूड बाई विच कंट्री टू इट्स सिटीजन। वायरस पासपोर्ट किस कंट्री के द्वारा उनके सिटीजन्स के लिए इशू किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने वायरस पासपोर्ट इशू किया है अपने सिटीजन्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चाइना। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो कि वैक्सीनेशन के स्टेटस को दिखाता है। इट इज़ बींग इशूड बाई चाइनीज गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स हु वॉन्ट ट्रेवल अदर कंट्रीज। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है 75 फर्स्ट किससे रिलेटेड है। तो मैं ऑप्शंस पढ़ के आपको सुनाती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स एंड डॉल्फिन इन इंडिया, सेकेंड ऑप्शन इज गंगायान, एंड थर्ड ऑप्शन इज इन्वेंशन ऑफ एन इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट कोरोना इन्फेक्शन, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमराइंस, या फिर नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्स कन्वेंशनल सबमराइंस। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट है वो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमराइंस से। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सुपर कंप्यूटर फुगाकू। कोड आर, द सुपर कंप्यूटर फुगाकू हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय राइकेन एंड फुजित्सु ऑफ जापान। इट्स मैक्सिमम सस्टेंड परफॉर्मेंस ऑफ लिंट पैक इज 442-01 पीटा फ्लॉप्स। इट विल बी यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी 5-0 एंड द SDGs, इंक्लूडिंग इन एरियाज लाइक ड्रग डिस्कवरी एज वेल एज इंश्योरिंग अ सिक्योर एंड सेफ सोसाइटी। सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कोड इज ऑप्शन सर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, या फिर ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई, ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमें कोड गिवन है एंड उसके अलावा हमें इसमें करेक्ट कोड चूज करना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनरोलमेंट रेशियो एट वेरियस स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। सो कोड्स आर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज टू 89.7% इन 2019-20 फ्रॉम 87-7% इन 2018-90 एट अपर प्राइमरी लेवल। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज टू 97.8% इन 2019-20 एट एलिमेंट्री लेवल। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज 77.9% इन 2019-20 एट सेकेंडरी लेवल, या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज 51.4% इन 2019-20 एट हायर सेकेंडरी लेवल। सो करेक्ट कोड आर ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो सारे के सारे जो कोड गिवन है वो सारे के सारे कोड सही है, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पीपल टीचर रेशियो PTR एट वेरियस स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। सो इसमें कोड्स दिए हैं, फिर हमें करेक्ट कोड का कॉम्बिनेशन चूज करना है, ठीक है। इन 2019-20 द PTR फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल हैज़ बिकम 26.5 वेयर इट वॉज 34.0 इन 2012 एंड 13। इन 2019-20 द PTR फॉर द अपर प्राइमरी स्कूल लेवल हैज़ बिकम 18.5 वेयर एज इट वॉज 23.1 इन 2012 एंड 13। इन 2019-20 द PTR फॉर सेकेंडरी हैज़ बिकम 18.5 वेयर एज इट वॉज 29.7 इन 2012 एंड 13। In 2019-20, the PTR for the higher secondary has become 26.1, whereas it was 39.2 in 2012 and 13. So, correct option of this correct code are given below. So, इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? All, first, second, third and fourth, जितने भी यहाँ पे कोड्स गिवन हैं सारे के सारे कोड्स सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is incorrect about digital India? Digital India जो है उससे related इसमें से कौन सा statement है जो कि incorrect है? तो options are PM Modi has set a target of connecting 600,000 villages via broadband by March 2023. Cabinet has authorized BSNL for the roll out of BharatNet project for broadband services in village. Total internet subscriber in the India in January to June 2020 were 749.07 million. Umang app aggregate major government services. Option is DigiLocker has more than 66.37 million registered users. So correct option of this question is option number B. Cabinet has authorized BSNL for the rollout of BharatNet project for broadband services in village. बढ़ते हैं next question की ओर। World first container block train ran in the last week of June 2021 between. किसके किसके बीच ये ट्रेन दौड़ी थी? तो वो है करेक्ट ऑप्शन इज फिनलैंड एंड इंडिया के बीच, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर अक्रॉस फॉर्मेट इन विमेन्स क्रिकेट एज ऑन जुलाई 3 जुलाई 2021? सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन स्कीपर मिथाली राज ऑन जुलाई 3, 2021 स्क्रिप्टेड हिस्ट्री व्हेन सी ओवरटुक फॉर्मर इंग्लैंड चार्लोटे एडवर्ड्स टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर अक्रॉस फॉर्मेट इन विमेन्स क्रिकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2021 इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 20th। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वॉज रिलीज्ड ऑन June 29, 2021 बाई स्टार्टअप ब्लिंक। The ranking is based on three parameter: quantity, quality, and business environment. The USA, the UK, Israel, Canada, and Germany are in the top five spots in 2021, and India's rank is 20th in global startup ranking 2021. But then next question ki or. Which of the following declared himself the brand ambassador of Khadi Prakritik Paints manufactured by Khadi and Village Industries Commission certified units? Options are KVIC Chairman Vinay Kumar Saxena, Minister for Road Transport and Highways and MSME Nitin Gadkari, Minister of State for MSME Pratap Chand Saranji, and Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Giriraj Singh, Minister of State of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Sanjeev Kumar Balyan. So, correct option of this question is option number B, Minister for Road Transport and Highway and MSME Nitin Gadkari ne khud ko Khadi Prakritik Paint ka brand ambassador ghoshit kiya.
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स हैज गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग इन इंडिया। ऑप्शन सर भालिला, भालिया व्हीट, चक हाउ ब्लैक व्हीट, गोविंदा भोग राइस, काला नमक राइस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, ओनली ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बिकम द न्यू जूनियर बॉयज विम्बलडन चैम्पियनशिप 2021। ऑप्शन आर विक्टर लिलॉय यूएसए, जन चेंग सांग चाइना, रॉबिन बेट्रैंड फ्रांस, मैथ्यू विलियम डोनाल्ड जेक रिपब्लिक, समीर बनर्जी यूएसए। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई, समीर बनर्जी यूएसए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।